आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू व्हाट। तो ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसी इक्वल होगी। देखो, ए अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा जब ए ट्रांसपोज मेरा इक्वल होगा ए के इक्वल। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने ए ले लिया अपर मैट्रिक्स 2 4 4 2, ये मैंने मैट्रिक्स ए ले लिया जिसका ऑर्डर 2×2 का है अपना, तो ये अपना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए तो ये इसका जो ट्रांसपोज निकालूंगा वो क्या होगा, उसमें जो रो होती है वो कॉलम बन जाता है एंड जो कॉलम होते हैं वो रो बन जाती है, यानी 2 4 4 एंड 2। तो ये आगे ए ट्रांसपोज और ये भी ऑर्डर 2×2 का है। तो जैसे कि ध्यान से देख सकते हैं आप, यहाँ पर ए ट्रांसपोज मेरे किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अपनी यही कंडीशन होती है कि जो उसका ट्रांसपोज होता है वो अपने मैट्रिक्स इक्वल होता है। ठीक है, यानी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उस केस में ए ट्रांसपोज हमेशा ए के इक्वल होगा, तो ये उसका आंसर हो जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर अपना कि जो ए ट्रांसपोज होता है वो ए के इक्वल होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।